बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं ये क्लास हर रोज़ रात्रि 9 बजे से होती है, तो आप लोग जल्दी से आ जाओ सभी ढेर सारी संख्या में और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोटिवेट रहना है, कोशिश करना है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपके एग्ज़ाम अच्छे होंगे, सब कुछ बेहतर होगा, बस आपको एक रेगुलर शेड्यूल से चलना है। मतलब हर दिन मैथ पढ़ना है, एक नियम से पढ़ना है, मतलब एक घंटा या आधा घंटा हर दिन पढ़ना है। ये नहीं कि आज पढ़ लिया फिर 8 दिन कुछ नहीं पढ़ा, ऐसे काम नहीं होने वाला भैया, ठीक है। तो चलो आ जाओ जल्दी से, 2 मिनट हम इंतज़ार करेंगे। प्रियंका देवी, भारती भगत, आकांक्षा सिंह, सुधीर गुप्ता और कौन कौन जुड़े हैं भाई, कुछ कमेंट हमें दिख रहे हैं, कुछ कमेंट हाइड हो जा रहे हैं। इधर साइड में क्लियर कर देता हूँ जो कुछ मतलब यहाँ पे गोंचा हुआ है। आज हम पढ़ेंगे आपका अध्याय नंबर 5। क्या पढ़ेंगे? अध्याय नंबर 5 पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे जल्दी से अपनी कॉपी पेन ले लीजिए और आ जाइए। देखिए, जैसे कि आपको पता है अध्याय नंबर 4 तक आपका हो चुका है, उसके बाद अब क्या करोगे? अध्याय 5 पढ़ोगे, ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान दो और अध्याय 5 पे हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी करो। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। आ गए हैं लगभग सभी बच्चे, आ गए हैं। ज्योति पटेल, संध्या कुमारी और अखिलेश कुमार, आशीष कुमार। तो ये बताओ आप लोग पूर्णांक जानते हो? पूर्णांक के बारे में सुने हो कि नहीं, बोलो जल्दी। पूर्णांक के बारे में जानते हो? आपका होगा इकाई 5। क्या होगा? इकाई 5। आप लोग डालो पाठ, मतलब आपका अध्याय 5 होगा, जिसका नाम है, क्या है भैया नाम? पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। जैसे अभी अभी आपने पढ़ा था पिछली क्लास में पूर्ण संख्याओं के बारे में, वैसे हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। पूर्णांक संख्याओं के बारे में भी उसी तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग यार क्लास को शेयर तो करो पहले भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे इतने कम बच्चों में क्लास तो नहीं चलेगी। अभी हमें लग रहा है कुछ टाइम जल्दी है क्या? अनंत पांडे, आप भी आ गए, तो भाई सभी बच्चे शेयर करके आओ ना यार। मतलब मैं शेयर कौन से किया भैया? अभी अभी जो क्लास की लिंक शेयर की गई वो गड़बड़ हो गया क्या यार? ओ मतलब वो क्या बताऊं यार, आप लोग एक काम करो, हम 5 मिनट वेट करेंगे, सभी बच्चे जल्दी से शेयर करो जिनको पढ़ना है, ठीक है। 5 मिनट नहीं, 3 मिनट, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा यार, ठीक है। जल्दी करो सभी, 3 मिनट जल्दी आप लोग शेयर करो, फटाफट जल्दी शेयर करो। कम से कम 50 संख्या पहुंचाओ ना, 50 संख्या पहुंचा ऐसे मज़ा नहीं आएगा, नहीं। जल्दी करो आप सभी, फटाफट शेयर करो। बफरिंग नहीं होगा। 6 मिनट वाला आया था, ठीक है, नोटिफिकेशन आया था। तो आप सभी बच्चे जल्दी से इसको शेयर करो, हम 5 मिनट इंतज़ार करेंगे, 5 मिनट इंतज़ार करेंगे सभी बच्चे का, उसके बाद ही आगे चलेंगे। जिनको जाना है वो चले जाएं, जिनके पास टाइम है वो देखें। ये जान लो 9:15 के पहले क्लास शुरू हो जाएगी और क्लास पूरा टाइम चलेगी, नहीं कोई इशू नहीं है। वो मैं चला गया था यूट्यूब छोड़ के ना, इस वजह से आपका बफरिंग कर रहा था। चलो ठीक है, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। सभी बच्चे बताओ चल रहा है ना? अब चल रहा ना भाई? देखो व्हाट्सएप पे शेयर करने की उम्मीद में मत रहा करो, आप लोग खुद शेयर कर दिया करो ना यार, ठीक ना। आप सभी बच्चे खुद शेयर करो, चल रहा है ना? देखो अब मैं अगर शेयर करूं, किसी से शेयर करवाऊं, ठीक नहीं है। आप लोग जल्दी शेयर करके आओ फटाफट। रुखसाना खातून आपका चल रहा है,
अनिल कुमार का भी चल रहा है, सविता उपाध्याय सबका चल रहा है। 9:15 से हम शुरू करेंगे, 9:15 से पढ़ाना शुरू करेंगे। सभी शेयर करके आओ पहले, जब तक संख्या नहीं जुड़ेगी 100-200 में तब तक मज़ा नहीं आएगा, हम चलाएंगे नहीं। कल भी तो यही हुआ था ना भाई। ये आप लोग यहाँ चैटिंग ना करो, बातचीत बाद में करना, पहले शेयर करके आओ क्लास, जल्दी करो। 9:15 से हम पढ़ाना शुरू करेंगे, लेकिन आप लोग तब तक बच्चों को जोड़ दोगे, तब सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप की स्टेटस में लिंक को लगा दो ना भैया, जिससे बच्चे आए ढेर सारे। आप यहाँ पे आके बातचीत करोगे, हेलो संध्या, हेलो सोनम, हेलो रोहित बोल रहे हो, यही से थोड़ी काम चलेगा। हाँ सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी शेयर करके आओ यार, 9:15 से हम शुरू कर देंगे, मतलब अभी ये मान लो 10 मिनट का टाइम है, अगर बच्चे उसके पहले जुड़ गए तो उसके पहले ही शुरू कर देंगे। थोड़ा सा हम वेट करेंगे बच्चों के जुड़ने का, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे बच्चों के जुड़ने का, क्योंकि बिना बच्चे जुड़े मज़ा नहीं आती है, और बच्चे भी बाद में शिकायत करते हैं कि हम पढ़ नहीं पाए, हमारा छूट गया, तो भैया क्या करें हम। सभी जो कर दिए ठीक है, ईमानदारी से भाई, झूठ मत बोलना यार, झूठ बोलोगे तो बहुत बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा, झूठ का परिणाम अच्छा नहीं होता ना। तो जो कर दिए हैं ठीक है, जो नहीं करें वो ज़रूर करें। जल्दी करिए, सभी बच्चे शेयर करिए, जल्दी करिए, अभी 5 मिनट और बचा है भाई, जल्दी से फटाफट सभी शेयर कर दो, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। लगभग बच्चे जुड़ गए हैं, मैं सभी को देख पा रहा हूँ। पूनम मंजीत, अंकिता सिंह, अम्बेश आर्या, आशीष कुमार, ठीक है, अच्छी बात है। आप लोग थोड़ा सा वेट करो, 9:15 से हम शुरू कर देंगे, तब तक जल्दी से बच्चे जोड़ो भाई, सभी आ जाओ, क्योंकि बिना सभी के आए मज़ा नहीं आती है, फिर बाद में आप शिकायत भी करते हो, शिकायत करते हो कि क्लास नहीं चल रही। साक्षी सिंह भी जुड़ चुकी हैं, बीना सिंह, सत भक्ति, सदेश, और कौन कौन जुड़े हैं, अभी कई बच्चे जुड़े हैं। तो बच्चे तो आ गए, लगभग 50 बच्चे आ गए, लेकिन अभी बचे हैं, अभी आधे आए, अभी आधे नहीं आए। 5 मिनट का और टाइम है आपके पास, सभी फटाफट शेयर कर दो, फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं आगे। जल्दी करो, बेबी सिंह भी अभी अभी जुड़ी हैं, सोनम शुक्ला और अनुराग, स्वीटी, दीपक और प्रियांशु, चलिए ठीक है। तो सभी बच्चे बात को समझिए, जल्दी जल्दी क्लास को शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा बच्चे आएँ, फिर क्लास तुरंत शुरू हो रही है, 9:15 से शुरू हो रही है। आप लोग 2 मिनट इंतज़ार कर लो प्लीज़, आपसे निवेदन है, 2 मिनट इंतज़ार कर लो बस। अनूप शुक्ला, बिल्कुल क्लास हम शुरू कर रहे हैं भाई, क्लास स्टार्ट हो रही है, बस सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ, बस सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ, जल्दी करिए। अखिलेश यादव, आप भी जुड़े हो तो क्लास शेयर करो, बिना संख्या अच्छी तरह से जुड़े मज़ा नहीं आएगी, क्लास नहीं चलने वाली है, 15 मिनट से शुरू हो जाएगी, कोई बच्चा जाएगा नहीं। सभी जल्दी फिलाइक करें, सभी बच्चे जल्दी फिलाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका ये छोटा चैनल है, इसको भी आगे बढ़ाना है, और आप ही लोग की जिम्मेदारी है, तो आप लोग करिए, कोई दूसरा नहीं करेगा। 50 के ऊपर तो संख्या हो गई, लेकिन इसको 100 करो जल्दी से, फटाफट 100 करो बस। 9:15 से क्लास शुरू होगी, बिल्कुल धमाकेदार क्लास होगी, पूरे 1 घंटे पढ़ाएंगे, पूरे 60 मिनट पढ़ाएंगे, लेकिन आप जल्दी से बच्चे जोड़ो फटाफट, 50 ही हुए हैं अभी सिर्फ 50 हुए हैं। एकता मिश्रा, खुशी कुमारी, खुशबू कुमारी, अम्बेश और अंकुर जी भी जुड़ चुके हैं, अनिकेत सिंह भी जुड़ चुके हैं, बहुत से बच्चे जुड़े हैं अभी, लेकिन बहुत से बच्चे बाकी हैं, तो भागना मत, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना, बस आगे बढ़ना है। हमें पढ़ना क्या वो मैं तब तक लिखता हूँ। आज पढ़ना है इंटीजर यानी पूर्णांक, देखो जिनको मैथ सीखना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, पूर्णांक, और उसके बाद क्या पढ़ोगे, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याएं, दोनों ही एकदम जहरीला नंबर है भैया, पूर्णांक और परिमेय संख्या दोनों बहुत बार पूछा जाता सवाल में, ठीक है ना।
बस 15 से शुरू हो रहे, सिर्फ 3 मिनट बचा यार, ओनली 3 मिनट बचा है। आप लोग जल्दी से सभी को शेयर करके आ जाओ फटाफट, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी करो ना यार, चलो आगे बढ़ें। बच्चे लगभग जुड़ गए हैं लेकिन अभी भी कम हैं। बारिश हो रही, सब अच्छी नींद ले रहे हैं। अच्छा आशुतोष त्रिपाठी, आप अभी आए हो ना, टाइम पता है आपको? हाँ, सभी बच्चे याद रखें, रात 9 बजे से लाइव शुरू हो जाती है पीवीआर स्टडी के चैनल नंबर 3 पर, और ये चलेगी कितना बजे तक 10 बजे तक चलेगी। 10 बजे से फिर लाइव शुरू होगी, वो चलेगी 11 बजे तक। तो बच्चा लोग, आप बात को समझो और क्लास को टाइम से जुड़ो और पूरा देखो। 9:15 से क्लास शुरू हो जाएगी, 9:15 से। आप लोग पहले संख्या में आ जाओ, सिर्फ 3 मिनट और बचा है। जो बच्चे नहीं शेयर किए क्लास, जल्दी से कर दें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो बच्चे क्लास शेयर नहीं किए अभी तक, वो जल्दी से करें, देर ना करें भाई, हाँ, क्योंकि मज़ा नहीं आती है ऐसे। जल्दी करो, फटाफट जल्दी करो, 21 घंटा कंटिन्यू हुई है बारिश घर पर। अच्छा चलिए, हमें बारिश तूफान से नहीं मतलब, अगर जिंदा रहेंगे तो काम करना है, मर जाएंगे तो आराम करना है, है ना? तो जब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तब तक तो कुछ ना कुछ करना ही है। चलिए 52:52, और जो बच्चे लाइक नहीं किए फटाफट करें, टाइम हो गया यार, टाइम हो गया, सिर्फ 1 मिनट बचा है, बस ओनली 1 मिनट बचा है। 1 मिनट बाद आपकी क्लास तुरंत शुरू हो रही, फटाफट सभी बच्चे फटाफट जल्दी से लाइक कर दो और जुड़े रहो, सिर्फ 1 मिनट। इसमें पहचान होगी कौन पढ़ना चाहता वास्तव में, क्योंकि सब नहीं, सब नहीं क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब नहीं पढ़ रहे हैं। तुमको यही सारी कहानी बताना है क्या अखिलेश कुमार मिस्टर, और कोई जगह नहीं है? चलो ठीक है, तो क्लास पे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, ध्यान दो अब। चलो ठीक है, तो बच्चा लोग सबसे पहले ये बताओ, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? टाइम हो गया, बच्चे 60 हो चुके हैं। चलो आप लोग शेयर करते रहना, आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम बात करते हैं टॉपिक पे, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। अब ये बताओ मुझे, इंटीजर क्या होता है? आप लोगों में से काफ़ी बच्चों को पता होगा इंटीजर क्या होता है, हाँ, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा। आपने लेकिन संख्या रेखा ज़रूर पढ़ा होगा। वैसे मैं ये पूर्णांक भी पढ़ाया हूँ, लेकिन आपका ये नया चैप्टर है डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर में, तो इस वजह से क्या करना है, इसको हमें आगे बढ़ाना है, ठीक है? इस वजह से हमें इसको आगे बढ़ाना है, लेकिन ये आप पढ़ चुके हो, पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हो। चलो ठीक है, देखो इसमें जो मुख्य होता है, जहाँ से सब कुछ स्टार्ट होता है, उसे मूल बिंदु बोलते हैं। ये 0 है, मूल बिंदु के दाहिनी साइड स्थित सभी संख्याएं प्लस में होती हैं, जिन्हें धन पूर्णांक कहते हैं, और इधर साइड बाईं साइड क्या होती हैं, माइनस में होती हैं, जिनको ऋण पूर्णांक बोलते हैं। अब देखो पूरी कहानी समझो, पूरी कहानी समझो कैसे है क्या है, बहुत ईमानदारी से देखो। पूर्णांक किसे कहते हैं? इसके पहले आपने पढ़ा है परिमीय संख्या। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? हाँ, लेकिन यहाँ पे रेशनल नंबर से कोई मतलब नहीं है। आपने नेचुरल नंबर पढ़ा होगा, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद आपने पूर्ण संख्या पढ़ा था, लेकिन प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं भैया? वो हमेशा संख्या रेखा के दाहिनी तरफ होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं हमेशा नंबर लाइन पर राइट साइड होती हैं, 0 के बाईं साइड। ना कोई नेचुरल नंबर एक प्रकार से कहो, और ना ही कोई क्या होती, पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक क्या होता है? इसकी परिभाषा ऐसे आप बोल सकते हो कि माइनस अनंत से, यहाँ पे आएगा -5 -6 डॉट डॉट अनंत हो जाएगा, इधर बढ़ता जाएगा 6 होगा, 7 8 9 10 ऐसे बढ़ेगा, अनंत तक जाएगा। यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं बच्चा? पूर्णांक कहलाती हैं।
माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जो भी होती सभी क्या होती पूर्णांक होती हैं। अब पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के कौन कौन से, एक धन पूर्णांक होता है एक ऋण पूर्णांक होता है। धन पूर्णांक क्या होता है देखो बहुत ही ध्यान से समझो, धन पूर्णांक क्या होता है, संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर यानी राइट साइड स्थित सभी पूर्णांक धन पूर्णांक कहलाता है और संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर, शून्य के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड स्थित सभी पूर्णांक ऋण पूर्णांक कहलाता है, जिसे इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं और इधर को क्या बोलते हैं बच्चा, निगेटिव इंटीजर बोलते हैं और पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं, नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। ये सब समझो, ये सब नाम है आपको आने चाहिए। हाँ कहानी समझ में आ रही कि नहीं बोलो जल्दी से, अगर आ रही तो हाँ बोलो सभी बच्चे जल्दी से, और जो स्टूडेंट इस सेशन को लाइक नहीं किए ना वो जल्दी से लाइक करें, देर मत करें, उसके बाद हम आगे की कहानी आपको दिखाते हैं। चलो तो ये हो गई पूरी कहानी पूर्णांक की। पूर्णांक के बाद आता है पूर्णांकों को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है, पूर्णांकों को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे शो करते हैं इनको, इसके बारे में देखो। अब संख्या रेखा तो आपके सामने दिख रही है, नंबर लाइन यही होती है, संख्या रेखा यही होती है, लेकिन इस पर कैसे दिखाते हैं पूर्णांकों को, देखो मैं देखता हूँ यहाँ पर कैसे बताया गया है। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण भी मैंने बता दिया है। हाँ संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण भी मैंने बता दिया है। देखो इधर साइड में ये ऋणात्मक पूर्णांक हैं, ये धनात्मक पूर्णांक हैं, तो ये ऐसे ही इनको डिनोट करते हैं। यहाँ पे आप लिख लो राइट साइड इधर क्या है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो इसका मतलब ये मत समझना कि राइट का मतलब धनात्मक पूर्णांक होता है, नहीं ये राइट का मतलब धनात्मक पूर्णांक कतई नहीं होता है। ये तो मैं ये दिखाया हूँ कि संख्या रेखा पर राइट साइड धनात्मक पूर्णांक होते हैं, लेफ्ट साइड क्या होते हैं बच्चा, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। ये हो गया संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। देखो जिनको मैथ सीखना है पूरा टाइम देखेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी डाउट होगा वो कमेंट करेंगे, हम बिल्कुल बताएंगे उनका कमेंट। आशीष कुमार वर्मा, आरआर वर्मा, अमित कुमार, सदभक्ति संदेश और रजनी कुमारी और प्रज्ञा यादव पीबीआर स्टडी के स्पेशल स्टूडेंट हैं, इन्होंने अपने नाम में पीबीआर स्टडी वर्ड लगाया है। अनंत पांडे भी इन्हीं स्पेशल में से आते हैं क्योंकि इनके नाम में भी देखो लास्ट में पीबीआर स्टडी लगा है। हाँ हम कमेंट पढ़ें पढ़ाएं नहीं। सोनम शुक्ला जी आप क्या चाहती हो कि मतलब मैं कमेंट ही पढ़ूँ खड़ा होके, और तुम लोग क्या करो हंसो दांत निकालो रो गाओ हम लड़ाई करो वही करें। चलो आगे जिनको पीछे देखना है भैया वो वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लें, जिनको हमारी बातें बुरी लगे उनसे माफ़ी चाहते हैं, आगे चलो। लेकिन ये हो गई संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। अब देखो संख्या रेखा पर अगर माइनस की संख्या को कहीं भी दिखाना है तो आप कर लोगे कि नहीं बोलो बताओ। संख्या रेखा पर माइनस पाँच कहाँ है, संख्या रेखा पर माइनस पाँच कहाँ है, देखो संख्या रेखा पर माइनस पाँच भैया ये माइनस चार के बाद होगा, यानी आप कह सकते हो अगर कोई पूछे कि संख्या रेखा पर माइनस पाँच कहाँ है तो आप कह सकते हो कि संख्या रेखा पर माइनस पाँच शून्य के पाँच कदम बाईं तरफ है। किधर है, बाईं तरफ है, लेफ्ट साइड है। पाँच कदम का मतलब देखो एक कदम रखोगे एक पे आओगे, दो कदम ये दो तीन चार पाँच, कदम का मतलब थोड़ा सा कदम फैलना चाहिए, ये नहीं कि एक तक पहुंचने में आठ कदम लगा दो, नहीं। तो ये आप ऐसे बता सकते हो, ठीक है। चलो आगे हिना अंसारी यहाँ पे जो हो रहा पहले वो देखो, उसके बाद जो नहीं चल रहा वो देखना बाद में। जैसे आपको पता है वो जब पहले के टाइम तो होता था, आजकल तो भैया वो होने लगा है दूसरा सिस्टम। उसमें क्या पहले जब कोई निमंत्रण होता था कोई प्रयोजन होता था तो एक एक चीज़ परफा जाता था पाती में बैठा के, पीपल के और मतलब पत्तियाँ की जो है पतली बनती थी उसमें एक एक टाइप, पहले सब्जी आती थी फिर पूड़ी आती थी फिर बारी बारी सब कुछ आता था। तो कुछ लोग उसमें होते थे भैया चावल कब आएगा,
उन लोगों को सब बेवकूफ़ समझते थे, अब पहले जो मिला उसको खा लो फिर चावल बाद में खाना। हाँ, तो वही हाल यहाँ पे कुछ लोगों की है, उनको जो अभी बताया जा रहा है उनको वो नहीं समझ में आ रहा है, बस उनको कोई अलग चीज़ बता दो जल्दी से। तो भैया अभी जो मिला है पहले वहाँ तक चलो, ठीक है? चलो अब चलो, देखो मतलब समझो पूरा, ये तो हो गया, आप सीख गए। पूर्णांकों में क्रमबद्धता, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, आप जानते हो ना। पूर्णांकों में क्रमबद्धता आप जानते हो भाई, पूर्णांक में हमेशा क्या होती, क्रमबद्धता होती है। जैसे अगर 7 है तो 7 के जस्ट बाद क्या आता है, 8 आता है, फिर 9 आता है, फिर 10 आता है, ये सभी एक सीरियल से आते हैं कि नहीं आते हैं ना, एक सीरियल से। चलिए ठीक है, तो अब मज़ा आने वाला चीज़ बता रहे हैं, संख्या रेखा पर पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं। पहले मुझे एक बात बताओ, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे जोड़ा घटाया जाता है, देखा था आप लोगों ने? बोलो, हमने ये बताया था कि पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे जोड़ते घटाते हैं, ये चीज़ आपने सीख लिया था, सीखा था कि नहीं सीखा था? सीखा था ना। अब देखो यहाँ पे, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि बच्चा 3 में 5 जोड़ो, तो आप कहोगे 3 5 8 होता है, ये तो आप कर लेते हो। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, वो एक बात क्या है बच्चा, ध्यान से देखो। अगर इसी तरह से हमें पूर्णांक को जोड़ना हो तो नहीं जोड़ पाओगे क्या? ये भी वैसे होगा, सिंपल सा है एकदम यार। जैसे आप पूर्णांक को जोड़ते थे वैसे आप, मतलब जैसे पूर्ण संख्या को जोड़ते थे वैसे पूर्णांकों को जोड़ोगे। तो अब इसमें हमें लगता है इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ। हाँ, मैं एक बता रहा हूँ बस, देखो ये 5 के बाद देखो 6 7 8, ध्यान दो आप सभी, बहुत ईमानदारी से देखना, मैं सिर्फ एक बता दूंगा, आप लोग कर लेना, क्योंकि पिछली क्लास जो बच्चे देखें वो सब सीख गए हैं। जैसे संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का जोड़ना घटाना गुणा भाग होता वैसे इनका भी होता है। तो 5 में क्या, 3 में 5 जोड़ना है, तो पहले यहाँ से इसको उठाओ, 3 पे ले जाके ढकेल दो भैया। हाँ, और 3 पे से फिर किस पे, 3 पे काहे गिराया पता है? क्योंकि 3 में 5 जोड़ना था, 3 कदम चला, 1 2 3, अब 5 कदम आगे चलेंगे। देखो 5 कदम मतलब 1 2 3 4 5, तो ये जाके कहाँ गिरेगा बच्चा, 8 पे, कहाँ पे गिरेगा, 8 पे। इस तरह से आपका क्या हो गया, ये योगफल हो गया, क्या हो गया, ये योगफल हो गया, यानी ये संख्या रेखा पर 3 और 5 का निरूपण हो गया इस तरह से। लेकिन यहाँ पे एरो जरूर लगा देना, ये यहाँ पे एरो लगा देना। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी कर लेते हैं कभी कभी, तो चाहे तो ऐसे भी कर लो तब भी ठीक है, ना करोगे तब भी ठीक है। बात समझ में आई, ये होता है संख्या रेखा पर पूर्णांकों को जोड़ना, इसी तरह से घटाना भी होता है, इसी तरह से गुणा भी होगा, भाग भी होगा, गुणा अलग तरह होता है थोड़ा से। जो बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो पिछली क्लास जरूर देख लें, उसमें आप पूरा क्लियर कर लोगे, ठीक है बच्चा लोग? तो पिछली क्लास आप लोग देख लो, जो बच्चे नहीं देखे क्लास नंबर 11 देख लें, क्लास नंबर 11 में सब कुछ क्लियर है, क्लास नंबर 11 आप लोग देख लो, जो नहीं देखे वो क्लास 11 देख लेंगे, ठीक है? अच्छा मुझे एक क्वेश्चन बताओ आप लोग, अगर शून्य में हम 75 का मल्टीपल कर दें तो क्या आएगा? पिछली क्लास में पढ़ाया हूँ, शून्य में 75 का मल्टीपल कर दें तो क्या आएगा, चलो जल्दी बताओ। सबसे पहले इसका जवाब दिया है सुमित निषाद ने, उसके बाद अनंत पांडे, सोनम शुक्ला, अनिल रविशंकर, संध्या, सोनम यादव, संदीप यादव, आशीष और आशुतोष त्रिपाठी। देखो बच्चा एक बात समझ लो, एक बार कमेंट किया करो अनंत स्टडी जी, नहीं तो आपको ब्लॉक कर देंगे हम, ठीक है? किसी एक सवाल का जवाब सिर्फ एक बार कमेंट करोगे, कोई दोबारा नहीं करेगा। जैसे मैं देख पा रहा हूँ इसमें कुछ बच्चे हैं, मैंने एक बार पूछा, वो 18 बार कमेंट कर रहे हैं, तो 18 बार करोगे तो अच्छा नहीं है, इसलिए सिर्फ एक बार बताओ बस यार, ना अच्छा लगता है। चलो हम जानते हैं आप तेज कमेंट कर लेते हो, कमेंट करना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक बार बताओ। आपने योज्य प्रतिलोम पढ़ा है, बोलो कौन कौन पढ़ा है योज्य प्रतिलोम? जो सेकेंड सेमेस्टर वाले उनको तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रहना चाहिए ये,
योज्य प्रतिलोम, चलो बोलो। अब चलो इसमें योज्य प्रतिलोम को एडिटिव इनवर्स बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स। देखो ये आगे आ रहा है, इस वजह से मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, जो सिलेबस में है वैसे ही चल रहा हूँ। चलो अब ध्यान दो आप। आशुतोष जी क्या प्रॉब्लम है आपको आशुतोष से भैया? चलो ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम योज्य प्रतिलोम की बात करें और हमने कहा जैसे क्वेश्चन है एक 5, तो 5 का योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स क्या होगा? कोई बताए, एनीवन? शरद तिवारी आप कौन सा उत्तर दे रहे हैं? पूनम यादव, अर्पिता सिंह, सविता, माही, प्रधाना यादव, ओ सॉरी प्रधाना नहीं भैया, ये प्रार्थना है, मुझे पढ़ना इंग्लिश कम आती थोड़ा। चलो तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, इसके बारे में हम आपसे बात करें तो आप ये जान लो कि एक ऐसी संख्या जो दी गई संख्या में जोड़ने पर क्या हो जाए, सब सुन्ना हो जाए, जीरो हो जाए, वो योज्य प्रतिलोम कहलाती है। तो बस आप समझ गए होंगे हमारी बात, लोग आप समझ गए होंगे ना, समझ गए ना इसकी डेफिनीशन क्या है? साक्षी सिंह जी, डेफिनीशन मतलब आप जब पूरी कहानी समझ गए तो डेफिनीशन बना लो ना। एक ऐसी संख्या जिसको दी गई संख्या में जोड़ने पर योगफल शून्य हो जाता है, उसका योज्य प्रतिलोम कहलाती है। यानी ये 5 है, इसमें जोड़ें क्या, माइनस का 5, तो भैया अगर ऐसे करोगे तो आप बराबर 0 हो जाएगा। यानी ये 5 माइनस का क्या है, ये प्लस वाले 5 का योज्य प्रतिलोम है। अच्छा एक और बताओ, अगर मैंने कहा कि माइनस का 7 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 7, बताइए। इंडिया गॉड ज्ञान, बताइए आपका नाम क्या है मिस्टर? आशुतोष त्रिपाठी का नाम काहे बदलवा रहे हो भाई अनंत? तुमको काहे को मुसीबत हो रही है इनसे, कुछ जलन हो रही का? सही तो है। देखिए इसका आंसर बता दिया, बहुत से बच्चों ने बताया, जिसमें से सबसे पहले भैया अनंत पांडे ने बताया, बिल्कुल गलत बताया है, और अनूप शुक्ला इन्होंने सही बताया है, बाकी बच्चों ने जो बताया है ठीक है, अच्छी कोशिश किया है। तो ये जान लो, कोई भी जो संख्या दी गई है अगर वो माइनस है तो क्या होगा, उसका योज्य प्रतिलोम प्लस होगा, अगर प्लस है तो माइनस होगा बस। अगर माइनस में भिन्न में दिया है तो, जैसे माइनस 6 बटा अगर हम 11 कर दें, इसका योज्य प्रतिलोम कोई बताए, एनीवन? देखो टॉपिक चेंज कर रहे भाई, यही नहीं चलेगा, हम लोग आगे भी बढ़ेंगे क्योंकि हमें बहुत कुछ पढ़ना है ना। तो ये धन पूर्णांकों वाला मैं छोड़ दे रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि आप जैसे वो पूर्ण संख्या वाला पढ़े थे ना भैया, जैसे आप पूर्ण संख्या वाला पढ़े थे उसी तरह से आप इसको भी पढ़ोगे, सब इसमें वही है, सब कुछ वैसे है पूर्णांक वाला जैसे आप पूर्ण संख्या में पढ़े थे, इसलिए इसमें हम काफ़ी कुछ छोड़ दे रहे हैं, इनको आप खुद से कर लेना ठीक ना। तो कर लोगे ना आप लोग, योज्य प्रतिलोम आप सीख ही गए हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ इसका जो माइनस है क्या आएगा, उत्तर क्या आएगा पता है? इसका 6/11 आएगा भाई, पलटेगा नहीं, क्यों आप लोग पलट रहे हो, पलट जाएगा क्या? चिन्ह ही तो बदलेगा ना, पलट दोगे तो कहाँ से होगा, वो तो गुणन वाला बता दिए क्या आप लोग, कि गड़बड़ कर रहे हो भाई, वो गुणात्मक प्रतिलोम है जो पलट देते हैं भिन्न वाला, यहाँ पलटी वल्टी नहीं मारना है, जोड़ने पे 0 आना चाहिए। यानी धन 6/11 इसका योज्य प्रतिलोम होगा फाइनल में, जिससे 0 आ जाए। आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम की, तब इसका उत्तर 11/-6 होता, फिर चिन्ह नहीं बदलता उसमें चिन्ह नहीं चेंज होता, चिन्ह वही रहता है, याद रखना गुणात्मक प्रतिलोम में बच्चा चिन्ह नहीं चेंज होता है, सिर्फ भिन्न पलट जाती, बस ओनली भिन्न पलटती है, सिर नीचे पैर ऊपर हो जाता, बाकी उसकी जो क्वालिटी वैसे ही रहती है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, 6/11 होगा, ये बात को आप लोग समझो।
चलो ठीक है, इस अभ्यास के कुछ मूल्यांकन वाले प्रश्न करवा देते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। तो चलो ठीक है, रविशंकर जी जो कमेंट आएगा उसको हम जरूर देखेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या पलट जाती है, बिल्कुल अनूप शुक्ला जी सही बताया आपने। और आपका नाम क्या है, वैसे हमारे दिमाग में कुछ आ रहा है, शायद आपने अपना नाम बताया था कुछ दिन पहले, लेकिन मुझे कुछ कन्फ्यूज हो रहा है क्योंकि इसमें जो कमेंट आता है ना वो रियल मतलब स्टूडेंट नहीं होते, उनके पीछे कोई दूसरा स्टूडेंट होता है ना। चलिए तो आप समझ गए, गुणात्मक प्रतिलोम समझ गए और योज्य प्रतिलोम समझ गए। अब कुछ क्वेश्चन देखो, जैसे पहला है क्वेश्चन क्या है भैया, माइनस का 250 और फिर बीच में क्या लगा है, प्लस, और ये प्लस का 150, इनको हल करना है। बताओ क्या आएगा इसका मान, इनको हल करोगे क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, देखो रविशंकर का नाम है समीर विश्वकर्मा, अनूप शुक्ला का नाम है अंशिका शुक्ला, ऐसे ऐसे जान लो। यहाँ पे जो नाम आता है ना वो रियल नहीं होता कोई भी, मुझे पता है कौन कौन का रियल नाम क्या है। चलो तो इसको हल करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 250 प्लस, ये ब्रेकेट खुलेगा तो 150 हो जाएगा, ये प्लस माइनस घट जाएगा, आपको पता है ना सबट्रैक हो जाएगा। इसका आंसर कोई बता रहा है क्या, देखो कुछ बच्चा तो 40 बता दे रहे हैं भैया, गलत कर दे रहे हैं, सारा गड़बड़ कर दे रहे हैं। इसका राइट आंसर माइनस का 100 आएगा, ये सब गधा टाइप के हैं जो गलत कर रहे हैं, सब एकदम पढ़ने वाले हैं नहीं। ये माइनस का 300 कैसे आया तुम्हारा जी, मिस्टर अनंत, पूजा यादव आपका रियल नाम है ठीक है, नाम से कोई मतलब नहीं, सिर्फ काम से मतलब है हमें बस। आप लोग पहले उत्तर बताइए, बातों को समझिए, बस इतना ही मतलब है, किसी को कन्फ्यूजन है तो मैं समझा दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। माइनस 250 है, प्लस अंदर में 150 है, ये प्लस प्लस से कोई मतलब नहीं, सिर्फ प्लस ही रहेगा। अब ये माइनस है, ये प्लस है, अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो घट जाते हैं, हाँ ठीक ना, लिख लो जल्दी से। नीतू बघेल 100 आएगा, आपका गलत है, आपका बिल्कुल गलत है, एकदम ओरिजिनल गलत है, क्योंकि इसका उत्तर माइनस में आएगा, ये 250 बड़ा है। ये एक बात यहाँ पे समझ लो, माइनस प्लस का बात है। देखो जब जो संख्याओं को हम घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं उनमें से जो संख्या बड़ी होती है उसके पहले जो चिन्ह होता है उत्तर में वही चिन्ह लगता है, बस याद रखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चा लोग, इसमें 250 बड़ा है कि 150, 250 बड़ा है कि 150, बोलो कौन बड़ा है। सोनम शुक्ला आपको पता है, अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, एक बात और सुन लो इधर, अगर यहाँ पर मैं माइनस 530 बोलूँ तो इसका उत्तर कितना आएगा बोलो, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, चलो फटाफट बताओ जल्दी करो, इसका उत्तर कितना आएगा। देखो आप सबको पता है, आप सबको पता है, हाँ देखो इसमें आप लोग काफ़ी गलती कर रहे हो, मैंने पूछा कि माइनस 250 बड़ा है कि 150 बड़ा है, तो भैया अगर बड़ा छोटा की बात करें तो 150 बड़ा है, अगर बड़ा की बात करें तो 150 बड़ा है, क्योंकि ये माइनस में है तो ये छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर हम चिन्ह ना लगाएं, मतलब चिन्ह को लेके तुलना ना करें तो 250 बड़ा है, और यहाँ पे बड़ा छोटा देखते हैं तो हम चिन्ह की तुलना नहीं करते हैं, हम ये देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है उसके पहले कौन सा चिन्ह है, मतलब चिन्ह को भूल के तब तुलना करते हैं। तो अगर हम चिन्ह को भूल के तुलना करेंगे तो ये 250 बनेगा और ये 150 बनेगा, अब ऐसी स्थिति में ये बड़ा होगा तो इसके पहले जो चिन्ह है वो उत्तर में लगेगा, समझ गए ना। लेकिन अगर हम वैसे बोलें इनमें इनमें कौन बड़ा है, तो भैया ये बड़ा है, ये छोटा है, क्योंकि ये माइनस में है, माइनस का मतलब वो कर्जा में है। इसमें देखो घटेंगे ये, अब कुछ लोग कहेंगे 100 में से तो घटबे नहीं करेगा, घट जाएगा ये 430 आएगा, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम देखें तो 100 के पहले प्लस का चिन्ह है, 500 के पहले माइनस का है, तो 530 बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा, ये बहुत छोटी बात है यार भाई, एकदम छोटी बात है, लेकिन जो बच्चे हैं ना वो पढ़ना चाहते हैं नहीं, मुसीबत तो ये है।
ये डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर वालों के एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं और उनके एक्सरसाइज में दिए गए हैं। ये मैं खेल नहीं रहा हूँ कि यहाँ पे कक्षा दुई वाले पढ़ा रहा हूँ। डीएलएड वाले ऐसे ओवर करते हैं गदा टाइप के, उनको ऐसे चीज़ पढ़ाया जाता है एकदम छोटा छोटा। अब कुछ लोग गरिया रहे होंगे, मन में गरिया रहे होंगे, कुछ बहरे भी गरिया देंगे। देखो कितना आएगा इसका उत्तर बताओ। कितना आएगा जल्दी करो, जल्दी करो, फटाफट बताओ, जल्दी करो भैया, जल्दी करो बाबू, जल्दी करो सोना, क्या क्या बोलें आप लोग को, चलो जल्दी करो। एक दिन एक लोग पूछ रहे थे, हाँ पता नहीं कौन थे भैया, नाम नहीं याद है, कि आप सबको बाबू बोलते हैं, तो मैंने कहा काहे, इसमें कोई नई बात है क्या? उन्होंने कहा नहीं, जो प्यारे होते हैं लोग उनको बाबू बोलते हैं। तो मैंने कहा कि भैया आप लोगों से ज़्यादा प्यारा कौन है हमारे लिए, क्योंकि हम आप ही लोगों के लिए तो 24 घंटा काम करते हैं। तो मतलब सही बोला ना मैंने। चलो देखो अब इसका उत्तर कितना आएगा। वैसे आदत होती है किसी किसी टीचर की, आप देखेंगे बहुत से टीचर पढ़ाते हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको घटाओगे कितना आएगा, 11 में से 7 गया भैया, 7 5 12 होता है, 7 4 11 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, तो ये हो गया। चलो अब क्या होगा आगे देखना, ध्यान से देखना, ईमानदारी से देखना, और बड़ा ही जहरीला सवाल है अब की बार। देखो कैसे है, ये आपके एक्सरसाइज में दिया है, मैं ऐसे नहीं करवा रहा हूँ, ये एक्सरसाइज में दिया भैया, एक्सरसाइज में दिया है। माइनस का 300 है और ये ओढ़ा हुआ है भैया अच्छे से, मतलब ढका हुआ है, दिख नहीं रहा है दोनों तरफ से, और प्लस माइनस का 270। इसका उत्तर जो बताएगा उसको तुरंत इनाम मिलेगा, फटाफट जल्दी करिए। इसका आंसर जो सबसे पहले बताएगा उसको एक बड़ा पुरस्कार मिलने वाला है, जल्दी करो, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है, जल्दी करो फटाफट। सबसे पहले और सबसे सही जवाब इसका जो बताएगा उसको तुरंत अभी सरप्राइज मिलेगा, जस्ट तुरंत मिलेगा, सबके आगे लेके आएंगे, देंगे, देखना। सबसे पहले इसका उत्तर बताया अनंत पांडे, इनका उत्तर बिल्कुल गलत है, कमेंट करने में तो तेज है लेकिन उनका उत्तर गलत है, अनंत पांडे का उत्तर गलत है बच्चा। 8 7 15 16 50। इसका सही उत्तर कौन बताएगा, सही उत्तर इसका बताया है ज्योति पटेल ने, ज्योति पटेल ने भी सही नहीं बताया, गलत है। ज्योति पटेल ने काफ़ी हद तक सही बताया था, नीलम राणा ने भी काफ़ी हद तक सही बताया, बाकी सबका गलत है। और कोई एनीवन? हाँ नीलम राणा ने बिल्कुल सही बताया है, बिल्कुल नीलम राणा को जो है सरप्राइज मिलने वाला है, अभी जल्दी मिलेगा, तुरंत मिलेगा, अभी आप लोग देखना कैसे मिल रहा है, क्या मिल रहा है। इसका राइट आंसर है बच्चा माइनस का 650। क्या है? माइनस का 650 है। ये कोई 80 बता रहा है, कोई 430 बता रहा है, मतलब जो मन वही बता दो, इतना छोटा सवाल नहीं कर पाते हो तो एक बार आईने में जाके देखो अपना चेहरा कि तुम ही हो कोई और दिख रहा है, मतलब हद है यार। फिर इसको देखने के बाद मुझे लगता है कि मुझे यही पढ़ाना चाहिए, मुझे यही सब पढ़ाना चाहिए, बाकी कुछ नहीं पढ़ाना चाहिए आगे। माइनस 650 आएगा मैंने बता दिया, आप देखो सब वही ढकेल के पड़े हैं कि माइनस 650 आएगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, देखो कैसे आएगा वो भी देख लो, कैसे आएगा वो भी देख लो। देखो नीलम राणा जी का कमेंट पता नहीं कहाँ चला गया, फिर से आप कमेंट करिए तो आपको सरप्राइज भेजते हैं और दिखाते हैं क्या मिलता है सबको। हाँ चलो ये कोष्टक खोलोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा भैया, ये माइनस हो जाएगा 270। चलो इतना होशियार होते तो यहाँ सर ना मार रहे होते। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, देखो वैसे मैंने बोला मतलब मजाक में बोला, बाकी कोई बात नहीं है, जो बच्चे सीखते हैं वही तो सीख पाते हैं। देखिए नीलम राणा को सरप्राइज मिल गया है, अब इनका कमेंट ब्लू कलर में आएगा, सैकड़ों स्टूडेंट में इनका कमेंट सबसे अलग आएगा, अब ये जो भी कमेंट करेंगी आप देखना वो हाईलाइट होके आएगा।
दोनों महीने से जुड़ जाएगा। जोड़ना आपको आता है, 300 में 200 जोड़ लो 500 हो जाएगा, 8 × 7 = 15। काफ़ी लंबा हो रखा यार, 150, 650 आएगा, माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों माइनस में है, इसलिए माइनस में आएगा। ठीक है, चलो जल्दी फटाफट बताओ और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, जिनको भैया वो सरप्राइज मिला है वो कमेंट करेंगे तो उनका कमेंट हाईलाइट होके आएगा, उनका कमेंट हाईलाइट होके आएगा, सबसे अलग आएगा। चलो आप लोग भी पा सकते हो ये सरप्राइज। और इतना ही नहीं, जो लोग इधर उधर करेंगे वो चाहें तो उनका कमेंट डिलीट भी कर सकते हैं, वो चाहे तो उनका कमेंट डिलीट भी कर सकते हैं। तृप्ति पांडे, आप अपनी वीडियो की क्वालिटी बदल दीजिए, सेटिंग से अपनी क्वालिटी चेंज करिए क्योंकि आपका इंटरनेट धीमा चल रहा है। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है हमारे सामने, मैं खुद देख रहा हूँ, एकदम अच्छा दिख रहा है। आप चलो अगले सवाल के लिए रेडी हो जाओ। माइनस का 7 और प्लस माइनस का 9 और आगे अगर हम बात करें प्लस का 4 प्लस का 16, मतलब प्लस का 4 प्लस का 16। भैया कहाँ चले गए यार पुरस्कार वाले, कम से कम एक बार तो कमेंट करें, लोग देखें तो कि हाँ आपको क्या मिला है। आपने तो कोई कमेंट ही नहीं किया, कोई मतलब ही नहीं निकला। इसका उत्तर कितना आएगा सर? माइनस माइनस तो माइनस होता है। हाँ रजनी कुमारी, माइनस माइनस जोड़ने में माइनस होता है लेकिन गुणा करने पे प्लस हो जाता है। जोड़ और गुणा में अलग अलग रूल होता है। अगर आपने बैंक से 1000 रुपये कर्जा लिया था, 1 लाख रुपये और कर्जा ले लिया तो आपका कर्जा बढ़ जाएगा, समझ रहे ना, वो कम नहीं होगा। लेकिन गुणा करने पे ऐसा नहीं होता है, गुणा करने पे प्लस हो जाता है। यानी कहने का मतलब आपने 1000 लिया था, 1000 ले जाके बैंक में जमा कर देंगे तो आपका 0 हो जाएगा, मतलब वो माइनस वाला हट जाएगा, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं फिर। भैया ये पुरस्कार वाले कहाँ चले गए यार, पाके बेमानी कर लिए, कहाँ भाग गए? अब देखो इसका कितना आएगा, माइनस का 7 और ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है हमेशा। अगर चिन्ह दोनों असमान है तो क्या होगा? माइनस होगा। 9 और ये प्लस का 4 और ये प्लस का 16, ठीक। अब देखो इसमें जो प्लस प्लस है वो जुड़ जाएगा, जो माइनस माइनस है वो जुड़ जाएगा। तो अगर आप ध्यान दो तो प्लस प्लस कौन है? देखो 4 जो है प्लस में है, 16 भी प्लस में है, ये 9 माइनस में है और ये 7 भी क्या है, माइनस में है। आप क्या करोगे फिर? 9, 7, 16, माइनस में ये 16 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ गया और ये दोनों जुड़ जाएगा, धन 20, ठीक है। बात समझ में आई ना समझ में? अब देखो ये प्लस माइनस केवल अकेले दो बच्चे हैं, इसका आंसर कितना आएगा फाइनल में? आपको पता है 20 बड़ा है, 16 छोटा है बच्चा, तो ये आएगा इसका उत्तर प्लस में 4 आएगा। अगर सिर्फ 4 लिख दोगे तब भी कोई गलत नहीं, ओनली 4 लिख दोगे तब भी कोई गलत नहीं है। चलिए ठीक है, सभी का सही है। भगवान सिंह आपका भी सही है। नीलम राणा का कोई कमेंट ही नहीं आया तो ब्लू कब होगा भैया? नहीं हो रहा है का है यार, पता नहीं यूट्यूब की कोई मुसीबत है का? हमें लग रहा है ये छोटा चैनल है इस वजह से नहीं हो रहा है का। देखो PVR स्टडी इलाहाबाद पे होता है ना, हो सकता है ये छोटा चैनल है इस वजह से नहीं हो रहा हाईलाइट। चलिए ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होने की बात है। ये क्लास फिर से 15 अक्टूबर से उसी चैनल पे चलेगी, उस पे कमेंट ब्लू कलर होता है ना, ये चैनल छोटा है, ये चैनल छोटा भैया इस वजह से हो सकता नहीं हो रहा हो, लेकिन मुझे पता था कि होगा, इस वजह से मैंने कहा था पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो चलिए इनका पुरस्कार मान लो होल्ड पे है, जब चैनल पे चलेगी क्लास बड़े वाले पे तो इनको तुरंत मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा, बुला के मिलेगा। चलो टेंशन मत लो, नहीं भाई धोखा नहीं हुआ किसी के साथ। अब यूट्यूब ने इस चैनल पे फीचर नहीं दिया, ये चैनल छोटा है। अब ये चैनल छोटा है तो मैं क्या करूँ, इस पर वो फीचर ही नहीं है। अब देखो
अच्छा ठीक है, मैं किसी और को ट्राई करता हूँ। रवि शंकर जी को बना दिया हूँ, देखो रवि शंकर का कमेंट आ रहा है। हाँ लेकिन उनको पुरस्कार में ये तो मिला, नीला तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो चाहे तो आपका कमेंट डिलीट कर सकती हैं। अब चलिए आप डिलीट करके देखिए किसी का कमेंट डिलीट हो रहा है, किसी का कमेंट डिलीट हो रहा है कि नहीं। हो जाएगा। अब ध्यान दो, 5 × −18 इसको बताओ, एक्सरसाइज का सवाल है, जल्दी बताओ। चलो बताओ कितना आएगा। नहीं भाई भरमाया नहीं है, चलो बताओ। अब आंसर बताओ यार, बात करेंगे तो फिर तुम लोग पागल कर दोगे एकदम से। नहीं बिल्कुल टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। माइनस का 56 × 15। चलो आगे चलो। रवि शंकर जो ज़्यादा हंस रहा है उसका कमेंट डिलीट कर दो, ठीक ना। और नीलम राणा कौन थे वो भी, जो दांत निकाले उसका कमेंट आप लोग डिलीट करिए। देखिए डिलीट हो रहा है कि नहीं, तब तो पता चलेगा ना कि हाँ उसका कुछ इफेक्ट हुआ है। जिन्होंने सही आंसर दिया है उनको जो मिला हुआ है उनके इतने अधिकार हो गया कि आपका कमेंट वो डिलीट कर सकते, लेकिन आप नहीं डिलीट कर सकते हो किसी का कमेंट, ठीक ना। तो आप इन लोग का कमेंट डिलीट करिए जो लोग हंस रहे हैं, तो देखिए डिलीट होता है कि नहीं। जो लोग हंस रहे हैं इनका कमेंट डिलीट करिए फटाफट, जल्दी जल्दी। हो रहा है, चलिए ठीक है, डिलीट करते जाइए। जो लोग हंसे उनका कमेंट डिलीट कर दीजिए तुरंत, और उनको ब्लॉक भी कर सकते हैं आप चाहें तो ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉक मत करिएगा भाई। देखो बच्चे हैं, अपने ही बच्चे हैं, अपनी ही क्लास के बच्चे हैं, तो ब्लॉक मत करना। चलो ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा बच्चा? 18 × 5 = 90। माइनस का 90 आएगा। हाँ 15 है का? नहीं, ठीक है। और इसका कितना आएगा? 15 का गुणा कर लो, आपको 15 का पहाड़ा नहीं आता जिसको, वो क्या करेगा भाई, उनके लिए तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ 15 × 90 हाफिल आया, 9 × 15 = 75, 75 × 10 = 85, 1 + 84 और ये माइनस में, इसलिए माइनस में आया। ये आप समझ गए कि नहीं? क्या हुआ अनंत पांडे, तुम्हारा कुछ कमेंट डिलीट हुआ का? सर वो तो मैं भी डिलीट कर सकती हूँ। अंकिता सिंह आप सबका कमेंट नहीं डिलीट कर सकती हो, अपना कर सकती हो, लेकिन वो चाहे तो आपका भी कमेंट डिलीट कर सकती, यानी जिनको मैंने वो सरप्राइज दिया है वो आपका कमेंट डिलीट कर सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। वो हर एक स्टूडेंट का कमेंट डिलीट कर सकते हैं, मतलब किसी का भी कमेंट वो चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, किसी का भी जितने लोग का कमेंट आ रहा है, लेकिन आप ये नहीं कर सकती, आप लोग सिर्फ अपना अपना कर सकते बस। हाँ एक और बता दो, लास्ट सवाल है, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्योंकि आज का टाइम ओवर हो गया बच्चा। फिर हम आएंगे रात 10 बजे से। इसका कितना आएगा ये भाग का चिन्ह? ये भाग का चिन्ह कितना आएगा बताओ, जल्दी करो, सभी बच्चे बताएंगे, जल्दी करिए। कितना आएगा इसका आंसर का? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी छात्रों को, सभी बच्चे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से PBR स्टडी का चैनल ज्वाइन कर लें, PBR स्टडी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और वो पढ़ सकते हैं। देखो इंटरनेट थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, सब भाग गए, मतलब कमाल के बच्चे हैं यार। नहीं नहीं सबका नहीं चल रहा था, बफरिंग कर रहा था, अनूप शुक्ला जी बफरिंग कर रहा था, ठीक है, इंटरनेट गड़बड़ हो गया था। तो आते हैं 10 बजे से हम फिर से लाइव आते हैं, आप लोग आ जाओ 10 मिनट के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, इस वीडियो को खूब शेयर कर दो, फटाफट फैला दो और फिर आ जाओ, ठीक है, आ जाओ जल्दी से।